नमस्कार, लोकल टीम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। देखिए, उत्तर बिहार के कई हिस्सों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कोसी का जलस्तर में लगातार वृद्धि के बाद लोगों में डर का माहौल बन चुका है। लोगों के घर के अंदर पानी घुस चुका है। देखिए, मुख्य सड़क हो या घर के अंदर की तस्वीर हो, सभी जगह पानी ही पानी आपको नज़र आएगा, जिस वजह से लोग अपना घर छोड़कर जो है ऊंचे स्थान पर जा चुके हैं। देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से ये तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर नौहट्टा प्रखंड के हेमपुर चौक की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों की भीड़ देखिए, किस तरह से लोग अपने घर को छोड़कर ऊंचे स्थान पर पहुंच चुके हैं। देखिए, तस्वीर अगर आप देखिएगा, दूर दूर तक पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। तमाम यहां पर जो स्थानीय लोग हैं, जो अपने घर को छोड़कर बाहर आए हुए हैं, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन तस्वीर देखिए, हर एक लोगों के चेहरे पर डर का माहौल बना हुआ है। घर के अंदर जो सामान है, वो सामान घर के अंदर ही रखा पड़ा है। देखिए, स्थानीय लोगों से भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर कैसे ये उत्पन्न हुई, कब से हुई और क्या हालात अभी फ़िलहाल जो है इस इलाके की बनी हुई है। यहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे। देखिए, स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया, क्या नाम हुआ आपका? शंकर प्रसाद गुप्ता। क्या इलाके, क्या माहौल है, क्या है? माहौल देख रहे हैं सर, पानी कटने, पानी छोड़ा जा रहा है, पानी पूरा कटा। देखिए कहाँ तक, यहाँ कोई व्यवस्था सरकार का नहीं है। तो आप कब ये पानी कब घुसा? आज सुबह से हो रहा है ये स्थिति। सुबह से पानी पड़ रहा है? हाँ हाँ, सुबह से हो रहा है। प्रशासन की टीम वगैरह से पहुंची आप लोग के पास? आया तो, लेकिन कोई व्यवस्था कहाँ देख रहे, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। तो घर के जो सदस्य है, जो घर के परिवार है, वो कैसे आप लोग रह रहे हैं, उसको कहाँ लेके गए आप लोग? इधर उस साइड लेके गए हुए, घर खाली कर दिए। हाँ, तो और क्या करेंगे। अभी भी घर के अंदर भी पानी घुसा हुआ? हाँ, पूरा पानी अंदर में भी भरा पड़ा है। चलिए देखिए, और भी यहाँ पर जो स्थानीय है उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए, प्रशासन के तरफ से भी जो टीम है वो भी पहुंची हुई है, लेकिन यहाँ पर जो लोगों का कहना है कि जो कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था यहाँ पर नहीं दिख रही है। स्थानीय लोग भी उनसे ही बातचीत करेंगे। भैया, माहौल तो देख रहे हैं काफ़ी गड़बड़ा गया है, क्या कहिएगा? देखिए, माहौल अभी बहुत ज़्यादा परिस्थिति ख़राब है, क्योंकि बारिश हो रही थी नेपाल के रीजन में बहुत ज़्यादा, तो जिसके लेकर पानी अभी चढ़ ही रहा है। और हमने अभी तुरंत DM साहब से बात किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ पे अभी कम्युनिटी किचन भी चालू होगा, सामूहिक खाना भी बनेगा और जो लोग विस्थापित होकर यहाँ आ रहे हैं बांध पर, उनके रहने की व्यवस्था भी की जाएगी। और जो यहाँ पे आप अभी स्थिति को देख रहे हैं, पानी जो चढ़ रहा है, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि तत्कालिक रूप में जो भी व्यवस्था की जा सकती है, वो प्रशासन इस पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। ये हेमपुर का इलाका है और यहाँ पर तस्वीर जो देख रहे हैं, तमाम लोग जो घर छोड़कर यहाँ पर बांध पर चले आए हैं। यहाँ पर जो भी लोग आए हुए हैं, सबके रहने का प्रशासन इंतजाम करेगा और सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और धीरे धीरे अभी सारे लोग यहाँ पर, अभी जैसे आप देख सकते हैं कि नीचे अभी दरोगा बैठे हुए हैं, नवट्टा के दरोगा साहब बैठे हुए हैं और CO साहब और BDO साहब यहाँ से गए हैं तुरंत यहाँ पर, और सारी व्यवस्था प्रशासन कर रही है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर क्या कहना, क्या सब है, कहाँ प्रशासन है, कहाँ कहाँ प्रशासन, LGO साहब कह के करके जाएंगे, कहाँ ये LGO साहब, कहाँ ये विधायक साहब, अभी कहाँ गया DM साहब, बकवास कर रहा है लोग, आदमी मर रहा है, आदमी डूबने वाला है, बांध टूटने वाला, DM साहब कहाँ है, कहाँ LGO साहब, कहाँ CO साहब, नाव बोला नाव कहाँ गया, कहाँ गया नाव, नाव की व्यवस्था नहीं हुई है, क्या हुई व्यवस्था, विधायक साहब ने कहा था CO साहब को नाव व्यवस्था के लिए, कहाँ व्यवस्था हुआ, कोई व्यवस्था नहीं, कहाँ व्यवस्था, खाना पीना का व्यवस्था हुआ, बताइए कहाँ है, कहाँ व्यवस्था, बुलाइए LGO साहब को। क्या नाम, क्या व्यवस्था, अशोक चौधरी, क्या स्थिति है भैया? बहुत गंभीर स्थिति है, क्योंकि अंदर में भी बहुत सारा आदमी फंसे हुए हैं, उसको निकालने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई जो है ना सुविधा उपलब्ध नहीं हुआ। जो भी प्रशासन है, DO जो भी आता है, देख के चल जा रहा है, देख के और जा रहा है यहाँ से। यहाँ पे कोई व्यवस्था अभी तक, जैसे कि जिस यहाँ पे हालात अभी गंभीर बना हुआ है, अभी कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। अभी यहाँ पे अगर कोई अगर नहीं व्यवस्था किया जाएगा तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। टूटने का पूरा तो आप तो देखिए रहे, पूरा एकदम कितना सार समाज का आदमी बहुत बहुत दूर से, जैसे जैसे आदमी सबको जानकारी मिल रहा है, वहाँ से आदमी आ रहा है यहाँ पे देखने के लिए, पूरा देखने के, पूरा एकदम पानी, जैसे बोरा दिया 10 बोरा ला के दिया, फिर दोबारा एकदम जो जहाँ गया वहीं पे है, कोई अभी तक बोरा भी ला के यहाँ पे नहीं डाला है। क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ स्थिति बहुत गंभीर है, बाढ़ का विकराल स्थिति है, व्यवस्था को तंदुरुस्त करने की जरूरत है, तंदुरुस्त करने की जरूरत है। देखिए, यहाँ पर जो व्यवस्था को तंदुरुस्त करने की जरूरत है, उनकी बात जो है यहाँ के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। देखिए, और भी यहाँ पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार आपको
एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्या माहौल है, बाढ़ की क्या स्थिति है और उसकी स्थिति भी दिखाएंगे। देखिए किस तरह से पानी जो देखिए प्रशासन के द्वारा जो यहां पर काम किया गया था वो भी कहीं ना कहीं फैल नजर आ रहा है। और ऐसे में जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, घर डूब चुका है, लोगों का खेत खलिहान हो चाहे वो मुख्य सड़क हो, तमाम जो जगह है वो पानी से लबालब हो चुका है। लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोग अपने घर को छोड़कर ऊंचे स्थान पर आ चुके हैं। कहीं ना कहीं जो लोगों में आक्रोश है वो भी देखने को मिल रहा है। प्रशासन के प्रति सरकार की तरफ से जो मदद होनी चाहिए वो मदद यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है, जिस वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी आक्रोश में। आप देखने वाली बात ये होती है कि इलाके में कब तक सरकारी व्यवस्था पहुँचती है और कब प्रशासन के द्वारा जो यहाँ पर कार्रवाई है वो किया जाता है।